दोस्तों, सुंदर पंखों वाली तितलियां सबको अच्छी लगती हैं। बचपन में सुंदर तितलियों के साथ हम सब ने खेला है और बचपन से लेकर अब तक आपने तितलियों के बहुत से रूप भी देखे होंगे। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको 10 ऐसी तितलियों से मिलाने वाला हूं जिसका रंग और रूप किसी जादू से कम नहीं है, जिसे देखकर आप खुद कहेंगे ये करोड़ों में एक है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नंबर 10, द ग्रीन ड्रैगन टेल। दोस्तों, देखने में तितली बिल्कुल किसी ड्रैगन की तरह दिखाई देती है। ये तितली आकार में थोड़ी छोटी होती है। ये तितली खासकर भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड, चीन और साउथ एशियाई देशों में पाई जाती है। अगर बात करें इनके पंखों की तो इनके पंख हवा में लहराते हुए काफी शानदार दिखाई देते हैं। वैसे भी इनके पंखों का रंग काला होता है, इस पर एक मोटी सफेद लगित खींची होती है जो देखने में काफी सुंदर दिखाई देती है। इनके पंखों का कुछ हिस्सा ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आर पार भी देखा जा सकता है। नंबर 9, ग्लास विंग बटरफ्लाई। दोस्तों, ये तितली दूसरी तितलियों से कुछ हटकर है क्योंकि इसके पंख बिल्कुल किसी कांच की तरह दिखाई देते हैं। ये तितली ब्रश फुट बटरफ्लाई प्रजाति का हिस्सा है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसका शरीर एक मिर्च की तरह दिखाई देता है जिस पर कांच के पंख लगे हुए हैं। ये तितलियां साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं और वहां ये अपने सुंदर ट्रांसपेरेंट पंखों के लिए जानी जाती हैं। वैसे ये तितली देखने में बहुत नाजुक लगती है, पर आपको बता दूं कि ये अपने से 40 गुना ज्यादा वजन उठाने का दम रखती है और दूसरी तितलियों से ज्यादा समय तक जीने के लिए जानी जाती है, और सच में ये बहुत ही सुंदर तितली है। नंबर 8, 88 बटरफ्लाई। दोस्तों, इस तितली का नाम इसके रूप के आधार पर रखा गया है। ये तितली अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वन में पाई जाती है। इसके पंखों का अंदरूनी हिस्सा नीले रंग का होता है और इसके ऊपरी पंख का भारी हिस्सा लाल रंग का होता है। दोस्तों, अगर बात करें इसकी बनावट की तो इसके सफेद पंखों में काले रंग का गोलाकार बॉर्डर होता है जो देखने में काफी शानदार दिखाई देता है, और इसके बीच में एक आकृति है जो देखने में 88 नंबर जैसी दिखाई देती है। दोस्तों, शायद ये पहली तितली है जिस पर किसी संख्या की बनावट है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना। नंबर 7, डेड लीफ बटरफ्लाई। दोस्तों, इस तितली को सूखी पत्ती वाली तितली के रूप में भी जाना जाता है जो दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। दोस्तों, इस तितली को आसानी से नहीं पहचाना जा सकता क्योंकि ये बिल्कुल किसी पेड़ के सूखे पत्ते की तरह दिखाई देती है। जब ये अपने दोनों पंखों को खोलती है तो इसका अंदरूनी बनावट किसी को भी धोखा दे सकता है जो बिल्कुल किसी एनिमल के चेहरे जैसी दिखाई देती है, और इसकी यही काबिलियत इसे इसके दुश्मनों से भी बचाती है। कमाल की तितली है ना। नंबर 6, मोनार्क। दोस्तों, मोनार्क दुनिया की सबसे सुंदर तितली है और इसे तितलियों की रानी कहा जाता है। बात करें इसके पंखों की तो इसके पंखों में ब्लैक, ऑरेंज और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन है जो इस तितली की सुंदरता की असली पहचान है। ये प्यारी सी तितली US, कनाडा, फ्लोरिडा और मेक्सिको जैसी जगहों पर पाई जाती है। आपको बता दूं कि ये तितलियां अपनी 10 प्रजातियों के साथ यहां रहती है। अगर इस तितली का झुंड आपने देख लिया तो इसे कभी भूल नहीं पाओगे क्योंकि इस तितली का झुंड लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होता है, और इसका ये झुंड आसमान में उड़ते हुए इतना सुंदर दिखाई देता है कि इसे नजर हटाना नामुमकिन हो जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लेना। नंबर 5, बर्ड विंग बटरफ्लाई। दोस्तों, ये तितली दुनिया में सबसे बड़े पंखों वाली तितली के रूप में जानी जाती है क्योंकि ये दुनिया में सबसे बड़ी तितली की प्रजातियों में से एक है। आपको बता दूं कि इस दुनिया में बड़े पंखों वाली तितलियों की 35 प्रजातियां मौजूद हैं और ये भी अनुमान लगाया गया कि ये इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। दोस्तों, इन्हें बर्ड विंग इसलिए कहा जाता है कि इसके पंख किसी पक्षी की तरह लंबे होते हैं और इनके पंख ज्यादातर चमकीले रंग के होते हैं, और ये तितलियां भारत और पाकिस्तान में पाई जाती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना। नंबर 4, लूना मोथ। दोस्तों, लूना मोथ एक हरे रंग की तितली है जो एक हद तक ड्रैगन तितली की तरह दिखाई देती है। इस तितली का रंग बिल्कुल हरे पत्तों जैसा होता है जिसकी वजह से इसे पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर बात करें इसकी बनावट की तो ये तितली बिल्कुल किसी प्लेन की तरह दिखाई देती है। इसके साथ इसके पंखों में आंखें और आईब्रो जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो इसे इसके दुश्मनों से बचाता है। 90 के दशक में ये तितली USA में बहुत पॉपुलर थी और इसके नाम से स्टैम्प भी जारी किया गया था। नंबर 3, ब्लू मोर्फो। दोस्तों, ये तितली दक्षिण अमेरिका के मेक्सिको और ब्राजील के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ये नीले रंग की तितलियां रिसर्चर्स और कलेक्टर्स के बीच बहुत ही फेमस है क्योंकि इस तितली का रंग बाहर से भूरा और अंदर से नीला और चमकीला होता है, जिसके कारण धूप की रोशनी में ये और भी चमकने लगते हैं, और इसके साथ साथ इन पंखों में काले रंग का मोटा बॉर्डर होता है और साथ में सफेद बिंदु होता है जो देखने में काफी शानदार दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, इसके नीले रंग के कारण इसका शिकार किया जाता है ताकि इसे नीला रंग बनाया जा सके, और इसी वजह से इसकी संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। दोस्तों, सबसे पहले तितलियां पेड़ पौधों की पत्तियों में अंडे देते हैं। ये अंडे किसी भी रंग के हो सकते हैं। अंडे देने के बाद धीरे धीरे इनका रंग बदलता जाता है, जिसका मतलब है कि अंडों में लार्वा बनना शुरू हो गया, और इस दौरान
अंडों के अंदर हल्की फुल्की हलचल भी देखने को मिलती है। लगभग 5 दिनों के बाद अंडे का रंग काला हो जाता है, जिसका मतलब है कि अंडे के अंदर लार्वा बनकर तैयार है और कभी भी अंडे की परत को तोड़कर बाहर आ सकता है। अंडे से बाहर आने के बाद ये लार्वा उसी अंडे की परत को खाना शुरू कर देता है और उस परत के खत्म होते ही वो पत्तों को खाना शुरू कर देता है। इन पत्तों को खाकर ये लार्वा 10 से 12 दिनों में लगभग 3 सेंटीमीटर तक लंबा हो जाता है और इस दौरान ये लार्वा अपनी त्वचा को भी बदलता रहता है, बिल्कुल किसी सांप की तरह। आपको बता दूं कि ये लार्वा इस प्रक्रिया में लगभग 4 से 5 बार अपनी त्वचा बदलता है और पूरे 20 से 25 दिनों के बाद ये लार्वा पूरी तरह से विकसित होकर 5 से 6 सेंटीमीटर तक लंबा हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बदलती त्वचा के साथ इसका रंग और रूप भी बदलता रहता है। पूरी तरह विकसित होने के बाद ये लार्वा पत्तियों को खाना बंद कर देता है और अपने आप को तितली में बदलने के लिए प्यूपा का निर्माण शुरू कर देता है। आपको बता दूं कि तितलियों का जन्म प्यूपा से ही होता है। ये लार्वा प्यूपा बनाने के लिए सबसे पहले अपने लार से एक चिपचिपा पदार्थ तैयार करता है, जिसके बाद ये लार्वा अपने शरीर का पिछला हिस्सा उस चिपचिपे पदार्थ से जोड़ देता है। उसके बाद ये लार्वा फिर एक बार अपने लार से अपने शरीर के चारों तरफ एक सुरक्षित लेयर तैयार करता है, ताकि प्यूपा बनने के बाद वो यहाँ से नीचे ना गिर सके। लेयर बनने के बाद ये लार्वा प्यूपा बनाना शुरू कर देता है और इस प्रक्रिया में फिर एक बार ये लार्वा अपनी त्वचा को निकाल देता है, जिसके बाद ये पूरी तरह से प्यूपा बना लेता है। प्यूपा बनने के पूरे 1 महीने बाद ये प्यूपा धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होता चला जाता है, जिसके अंदर हम तितली को भी देख सकते हैं। इसके बाद इसमें धीरे धीरे हलचल होने लगती है, जिसके बाद एक सुंदर तितली इस प्यूपा से बाहर आती है और इस तरह एक सुंदर तितली का जन्म होता है। प्यूपा से बाहर निकलने के बाद तितली 1 घंटे के अंदर अपने पंखों को विकसित कर लेती है, जिसके बाद ये तितली अपनी नई जिंदगी के नए सफर की नई उड़ान भरती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए कॉन्टेंट।